दोस्तों, जब भी कभी साउथ इंडिया की बात की जाती है तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में साउथ इंडियन फूड, साउथ इंडियन मूवीज़ या उनके रंग रूप को लेकर ख्याल आता है। पर क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आखिर क्यों केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे राज्य ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और GDP के मामले में यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों से बेटर परफॉर्म करते हैं? आज इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स और स्टेटिक्स दिखाना चाहूँगा। इस मैप में इंडियन स्टेट्स के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ग्रीन कलर से शो किया गया है। आप देख सकते हैं कि डार्क ग्रीन स्टेट का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 7 से ज़्यादा है और यूपी, बिहार और झारखंड राज्यों में ये आंकड़ा 0.59 से कम है। इसी तरह इस दूसरे मैप में इंडियन स्टेट्स के इंडिविजुअल GDP को शो किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों का GDP दक्षिण पश्चिमी राज्यों के GDP से काफ़ी कम है। तो यहाँ डिफरेंस आपके सामने है। आज केरला वहाँ के लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड के लिए और चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर जैसी सिटीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। अकेले बेंगलोर में ही 200 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो उसे इंडिया का IT हब बना देते हैं। आज हम एक एक करके उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनके वजह से नॉर्थ और साउथ की स्टेट्स की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ, और इसके पीछे के हिस्टोरिकल रीजन जानने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, हिस्टोरिकल एडवांटेज फॉर साउथ इंडिया। दोस्तों, 15वीं शताब्दी से लेकर अभी तक उत्तरी भारत की आबादी सबसे ज़्यादा होने के पीछे एक बड़ी वजह है, और वो है गंगा नदी के मैदान। क्योंकि गंगा नदी के मैदान खेती के लिए उपजाऊ थे, जिससे वहाँ ज़्यादा लोग बसने के लिए आने लगे, और इस वक्त खेती को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली थी, जिससे कि इन इलाकों में आबादी भी तेज़ी से बढ़ी। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ एजुकेशन को उतना बढ़ावा नहीं मिल पाया। उपजाऊ मिट्टी के अलावा उत्तरी राज्यों में खनिज संपदा का भी भंडार था। यही एक वजह थी कि उत्तरी भारत पर यूरोपियन देशों और मुगलों के आक्रमण होते रहे, जिससे नॉर्थ इंडिया कई बार बना और कई बार तोड़ा भी गया। और अंग्रेज़ों के आने के बाद तो नॉर्थ इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह कर दी गई। भारतीयों पर अत्याचार हुए और उनसे भारी कर वसूली की जाती थी, और अंग्रेज़ वहाँ से सारा माल अपने देशों में एक्सपोर्ट कर ले जाते थे। जबकि दूसरी ओर साउथ इंडिया में अनुपजाऊ मिट्टी और खेती के लिए अनुकूल परिस्थिति ना होने की वजह से वहाँ फार्मिंग और पॉपुलेशन को इतना बढ़ावा नहीं मिला, और वो बाहरी लोगों के आक्रमण से भी बचे रहे। समुद्री राज्य होने की वजह से साउथ इंडिया में व्यापार को भी बढ़ावा मिला, और ब्रिटिश द्वारा वहाँ पोर्ट्स भी तैयार करवाए गए। साउथ इंडिया में डेवलपमेंट होने के साथ साथ वहाँ के लोगों को अंग्रेजी सीखने का भी अवसर मिला, जिससे साउथ इंडिया में एजुकेशन को भी बढ़ावा मिला। और देखा जाए तो महाराष्ट्र में मराठा और साउथ में विजयनगर साम्राज्य ने वहाँ के डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी प्रदान की। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड लिटरेसी रेट इन साउथ इंडिया इज हाई। नॉर्थ इंडिया की महिलाओं के लिए घूंघट प्रथा का चलन पहली बार तब शुरू हुआ था जब मुगलों द्वारा हमारे देश पर आक्रमण करके देश की संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास किए गए, जिसने वहाँ की औरतों को घरों में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया था। वैसे तो पर्दा प्रथा का मुख्य उद्देश्य वुमेन प्रोटेक्शन था, लेकिन आगे चलकर ये एक ट्रेडिशन बन गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि नॉर्थ इंडिया में आज भी जेंडर इनइक्वलिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है, और आज भी उन्हें सिर्फ घरों के कामकाज तक ही सीमित रखा जाता है। यहाँ आज भी ऐसे कई गांव हैं जहाँ लड़कियों का स्कूल जाना अलाउड नहीं है, औरतों को जॉब पर नहीं जाने दिया जाता, और उन पर वायलेंस और क्राइम के भी काफ़ी मामले सामने आते रहते हैं। जबकि साउथ इंडिया इन सब चीज़ों से दूर रहा, यहाँ शुरुआत से ही फीमेल एम्प्लॉयमेंट और वुमेन लिटरेसी पर पूरा ध्यान दिया गया। आप किसी भी डेवलप कंट्री या डेवलप स्टेट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ लेडीज़ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बराबरी से अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, जिससे उस स्टेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और अब देखते ही देखते नॉर्थ इंडिया में भी हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। पार्टीशन इन नॉर्थ इंडिया एंड बैटल ऑन जम्मू एंड कश्मीर। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया का भारत और पाकिस्तान में पार्टीशन हुआ था, उस दौरान दोनों देश के लोगों का दूसरी तरफ माइग्रेशन हुआ। हिंदू, सिख और मुस्लिम समुदाय में कई सारे दंगे हुए, औरतों पर अत्याचार हुए और लाखों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन इस बीच साउथ इंडिया इन सभी एक्टिविटीज से सेपरेट होने की वजह से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बचाने में सफल रहा, और आज़ादी के बाद साउथ इंडिया अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस कर पाया और वहाँ डेवलपमेंट भी तेज़ी से हुआ। जबकि इस दौरान नॉर्थ इंडिया को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तब से लेकर अभी तक कश्मीर को लेकर कई तरह की आतंकवादी गतिविधियाँ होती रही हैं, जिससे गवर्नमेंट उस स्टेट के जरूरी मुद्दों पर ध्यान दे ही नहीं पाती,
और नेशनल सिक्योरिटी पर भी देश का अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट होता है। यहाँ ज़्यादातर नॉर्थ बॉर्डर स्टेट्स की इकोनॉमी पर इसका बुरा असर दिखाई देता है। इन स्टेट में आए दिन मिलिट्री ऑपरेशन होते रहते हैं जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन की एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट को पीछे ले जाता है। तो जिस वक्त साउथ इंडिया अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा होता है, उस वक्त नॉर्थ इंडिया के ये डिस्प्यूटेड एरियाज टेररिज्म के साथ डील कर रहे होते हैं। जियोग्राफिकल एडवांटेज। साउथ इंडिया के लिए सबसे बड़ा जियोग्राफिकल एडवांटेज है उसका समुद्री सीमाओं पर होना, जो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए खुले दरवाजे की तरह काम करता है। समुद्री सीमा वाले राज्यों पर पोर्ट्स अवेलेबल होने से वहाँ ट्रेड और इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बड़ा सपोर्ट मिलता है, और सेम एडवांटेज महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स को भी होते हैं। समुद्री पोर्ट्स होने से वहाँ प्रोडक्ट का डायरेक्ट एक्सपोर्ट पॉसिबल हो पाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में नियरली 80% क्रूड ऑयल की डिमांड महासागरों के द्वारा पूरी होती है, जिसमें अरेबियन महासागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी शामिल है। इन महासागरों से फिशिंग मार्केट, मिनरल्स एक्सट्रैक्शन और टूरिज्म को भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी इंटरनेशनल एजुकेशन का एक्सेस आसान हो जाता है। लिटरेसी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। साउथ इंडिया में इंग्लिश का चलन नॉर्थ इंडिया से काफ़ी पहले शुरू हो गया था, जिससे आज़ादी के बाद वहाँ एजुकेशन को काफ़ी सपोर्ट मिला। ऐसा नहीं है कि हमारी हिंदी लैंग्वेज उतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन जब आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखते हो तो आपको दूसरे कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलता है, और इंग्लिश लैंग्वेज हमें इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। आज भी साउथ इंडिया में इंग्लिश और लिटरेसी पर काफ़ी फोकस किया जाता है, और वहाँ के स्कूल और कॉलेजों में भी इंग्लिश का काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। किसी स्टेट की एजुकेटेड वर्कफोर्स वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, जिससे उस स्टेट का प्राइवेट जॉब सेक्टर मजबूत बनता है। आज केरला की लिटरेसी रेट हाईएस्ट है, वहीं बेंगलोर इंडिया का आईटी हब है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ से यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन मिला। चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर जैसी सिटीज में आज देश भर से लोग यहाँ जॉब करने के लिए आते हैं। लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड रहने वाली स्टेट्स के हालात ऐसे नहीं थे, जैसे कि बिहार, MP, UP और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य। जब किसी गांव या स्टेट में लिटरेसी और एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, तो वहां के लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगते हैं। यही एक रीज़न है कि नॉर्थ स्टेट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर पॉपुलेटेड हो जाता है, और फिर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता। पैसे की कमी के चलते वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते, और फिर इलिटरेसी की वजह से पुअर फैमिली प्लानिंग, पुअर फार्मिंग टेक्निक्स और गरीबी जैसी समस्याएं सामने आती हैं, जो उस स्टेट के डेवलपमेंट को स्लो कर देती हैं। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि अपनी हाईएस्ट लिटरेसी रेट रखने के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट रेट के मामले में केरला बाकी स्टेट से थोड़ा पीछे है, और रीज़न यह है कि केरला इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस से ज़्यादा सोशल वेलफेयर पर फोकस करता है, जो वहाँ के सिटीजन्स की लाइफस्टाइल को बेहतर बनाता है। केरला के हेल्थ केयर सिस्टम को ही देख लीजिए, जो इंडिया के सबसे मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम्स में से एक है। लाइफस्टाइल। साउथ इंडियन लोगों की बात की जाए तो यहाँ लोग सिंप्लिसिटी को फॉलो करते हैं। यहाँ लुक्स और स्टाइल को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, और ये लोग इंटेलेक्चुअल थिंकिंग रखते हैं। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ इंडिया और मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर लोग शो ऑफ करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। फैमिली फंक्शन से लेकर पार्टी सेलिब्रेशन तक अननेसेसरी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, और नॉर्थ इंडिया के लोगों पर पंजाबी सॉन्ग्स का भी काफ़ी असर दिखाई देता है। हालांकि ऐसा सभी नॉर्थ इंडियंस के बारे में कहना गलत होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स में ये बात ऑब्जर्व की जा सकती है। तो जहां साउथ इंडियंस हायर एजुकेशन पर ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं, वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कल्चर में ज़्यादातर लोग पैसे को अपने शौक पूरे करने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। नो कम्युनल एंड रिलीजियस हेट्रेड। सांप्रदायिकता और धार्मिक हिंसा नॉर्थ और मिडिल ईस्ट इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, और इसके पीछे कई सारे ऐतिहासिक कारण छिपे हुए हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेक्युलर कंट्री होने के बावजूद आज भी सोसाइटी में कई ऐसे लोग हैं जो इस रिलीजियस हेट्रेड को बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ आपको कई सारे हिंदू नेशनलिस्ट और मुस्लिम स्पेसिफिक ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे, जबकि साउथ इंडिया में अगर तेलंगाना जैसी जगहों की बात ना की जाए तो यहाँ की बाकी स्टेट्स में रिलीजन के बेसिस पर लोगों को जज नहीं किया जाता। वहाँ आपको ऐसे कई मुस्लिम्स मिल जाएंगे जो ओबीसी ब्रदर की विचारधारा से सहमत नहीं होते, और ऐसे हिंदू भी मिल जाएंगे जो RSS या किसी हिंदूवादी संगठन को फॉलो नहीं करते। इसलिए हम मंदिर और मस्जिद को लेकर कोई लड़ाई भी नहीं करता, और इससे वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी मुद्दों पर फोकस कर पाती हैं।
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये एक बेसिक सा फैक्ट है कि कम आबादी वाले स्टेट्स में एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है। कम पॉपुलेशन होने से एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव होती है, फैमिली की अर्निंग और सेविंग बढ़ जाती है और उनके हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होते हैं। वहीं इसका अपोजिट ट्रू है यूपी और बिहार स्टेट्स के लिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन उन्हें यूज करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे वहां प्राइवेट सेक्टर में जॉब कंपटीशन बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, सड़कों पर ट्रैफिक और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसके अलावा लिविंग स्पेस कम होना, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन बढ़ जाना और ना जाने कितनी ऐसी समस्याओं का सामना ओवर पॉपुलेशन की वजह से इन स्टेट्स को करना पड़ता है। हालांकि लोकल सिटीजन्स में अवेयरनेस पहुंचाकर उनका माइंडसेट चेंज किया जा सकता है, क्योंकि बेटर फैमिली प्लानिंग के साथ पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना हमारे देश को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। जेन्युइन इलेक्शन एंड लेस करप्शन। साउथ इंडियन स्टेट्स में इलेक्शन के वक्त पॉलिटिकल पार्टीज के पास एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर प्लान होते हैं। इसके अलावा साउथ इंडियन स्टेट्स की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट सेंटर्ड होती हैं, इसलिए वो एक स्टेट पर ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती है और एक बेटर डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो करती है। जबकि नॉर्थ इंडिया में इलेक्शन सिर्फ सरकार बनाने और सरकार गिराने तक ही सीमित रहते हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए जिन मुद्दों पर फोकस किया जाता है उनका स्टेट के डेवलपमेंट से कोई लेना देना होता ही नहीं है, जैसे हिंदू मुस्लिम मुद्दे और मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे। ये सभी मुद्दे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही उठाए जाते हैं और देखते ही देखते ये जनता के मुद्दे बन जाते हैं। इससे होता यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज उस स्टेट के रियल इश्यूज पर फोकस कर ही नहीं पाती है। इन सबके बावजूद नॉर्थ इंडिया में ऐसी कई स्टेट्स हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स में साउथ स्टेट से बेटर परफॉर्म कर रही है। आज पंजाब और हरियाणा स्टेट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। यूपी भी इंडिया की मेजर एक्सपोर्टिंग स्टेट के रूप में उभर रहा है। गुजरात अपने बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जाना जाता है। इंडिया की मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी मध्य प्रदेश में है। सुशांत सिंह राजपूत और मनोज वाजपेयी जैसे टैलेंटेड एक्टर बिहार से बिलोंग करते हैं और लोगों के दिल में जगह बनाने वाले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से ही हैं। उत्तराखंड राज्य जहां भारत के चार धाम मौजूद हैं, जहां हर साल लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। अगर चाय के शौकीन हैं तो ये जान लीजिए कि असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश और कश्मीर स्टेट्स की खूबसूरती को भी कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। देखा जाए तो इंडिया की हर स्टेट अपने आप में यूनिक है और अगर आप अपने काम को लेकर पैशनेट हो तो आप किसी भी स्टेट में रहकर अपनी फील्ड में अच्छा काम कर सकते हो। अपने देश को मजबूत बनाने के लिए हमें हर दूसरे स्टेट के लोगों से सीखने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम उनका या उनके कल्चर का मजाक बनाएं। इसलिए साउथ स्टेट से नॉर्थ स्टेट तक नॉलेज एक्सचेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे के कल्चर को जानकर हम अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं।